एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में काली मंदिर चौराहे पर ऑटो पर लगे बम्पर के विरुद्ध अभियान चलाया गया। जिन ऑटो पर बम्पर लगा हुआ मिला उसे वहीं पर तुरंत निकलवाया गया और करीब 55 ऑटो को यार्ड में भेजा गया तथा हिदायत दिया गया कि आगे कोई भी ऑटो पर बम्पर लगाकर ना चले। जिसके संबंध में ट्रैफिक सीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि शहर में जितने अधिकृत रूप से रजिस्ट्रेशन नंबर छुपाकर या जो हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगाए हैं उनके खिलाफ यह अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की गई, जिसके तहत करीब 55 ऑटो और 6 ई रिक्शा को यार्ड में ले जाकर जिस रॉड से उनका नंबर प्लेट ढका था उस रॉड को हटाया गया और अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ट्रैफिक सीओ जयप्रकाश सिंह ने कहा, बोलना भी है और सबको बताना भी है, नहीं तो जब जाओ तो वहाँ पर तो कार्रवाई भी हो रही है, फिर मतलब जुर्माना भी लगेगा, खोल लोगे तो जुर्माना बना नहीं लगेगा और आप खोलो सबको बताना भी जाएगा, ठीक है? और सर बता रहे हैं आपको, आप वहाँ भी खड़े इधर आइए लाइन में, नहीं इनका पता चलेगा, कोई देख नहीं पाएगा, इसीलिए लगाते हैं सब पाई, इसका भी पूर्णतः ठगा हुआ ये नंबर प्लेट जो है, नंबर दिख ही नहीं रहा, हाँ दिखता नहीं, दिखेगा नहीं तो ये कहीं एक्सीडेंट करके भाग जाए तब भी नहीं, चलो लगा रहा मैं दोबारा खोल लीजिए, जितने तुम्हारे सर्किल में चलते सबको बताना, सबको बताना भी, ठीक है? ये काम जरूर करना दीजिए, बैठा दीजिए, प्रिंट निकला उसको खोलो और अपना खोल मिलो, सबको बताना भी, किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है आज शहर में? जितने अनधिकृत रूप से ऑटो चल रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन नंबर को छुपा के चल रहे हैं या जो HSRP रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाए हैं उनके खिलाफ जो है अभियान के तहत कार्रवाई की गई। इसका निर्देश श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय के पर्यवेक्षण में मेरे नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिसके तहत करीब 55 ऑटो और 6 ई रिक्शा को जो है यार्ड में ले जाकर
उनका नंबर प्लेट जिस राड से ढका था उसको हटवाया गया और अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। हाँ, हटवाया गया है, मौके पर भी हटवाया गया और जो मौके पर नहीं हट पाया उसको यार्ड में भेज के हटवाया गया और नियमानुसार कार्रवाई की गई। और विदाउट हेलमेट के जो चल रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई, ट्रिपल राइडर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। हाँ, लेफ्ट लेन को खाली रखने के लिए लगातार प्रसारण चल रहा है, जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनका भी MB एक्ट के तहत चालान किया जा रहा है।